हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, देन अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी से ज्वाइन करिए और मेरा कोड अप्लाई करिए, दैट इज NB01, और आपको इंस्टेंट उसी टाइम फ्लैट 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा आफ्टर अप्लाइंग माय कोड NB01। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल, मैंने BSc किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई हैव डन BEd, NTT एंड PTT और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टीचिंग में पढ़ाने का, और अब मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और 4000 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया हुआ है। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानना कि प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना। इसमें क्या है, इस चैप्टर में सारी चीज़ें वो इंक्लूड है कि गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स, कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, ये कंटेंट है इस चैप्टर में, हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वेनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीफ, वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, ये तो आपको पता है बेटा, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बट जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो प्लांट्स तभी कहते हैं कि ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स के बिना सर्वाइवल नहीं है, ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है प्लांट्स भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, बिकॉज दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ओके। दे ग्रो इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि वो मिट्टी में ही उगते हैं, एंड रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स, और अपनी रूट्स के थ्रू, रूट्स की ही वजह से वो अपनी ही जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है, इधर उधर भागते नहीं है, रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होती हैं और वो ऊपर खड़े रहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू, एनिमल्स की तरह प्लांट्स इधर से उधर, उधर से इधर नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो डू नॉट टेक फूड लाइक एनिमल्स, और प्लांट्स खाना भी नहीं खाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स जो है वो खाना नहीं खाते हैं, बल्कि हमें प्लांट्स क्या करते हैं, खाना देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए, वो खाना खुद से बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं वो किचन में जाके प्लांट्स खाना बना रहे हैं, नहीं, वो कैसे, किस फॉर्म में हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, स्पाइसेस, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स से अवेलेबल होती हैं। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और प्लांट्स क्या है, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, आपको भी पता है छोटे प्लांट भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग शेप और साइज के प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, ज़्यादातर प्लांट्स की बच्चे आपने देखी होगी वो ग्रीन कलर की ही लीव्स होती हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रेड कलर की भी लीव्स होती हैं, राइट, सॉरी, कुछ ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं जिनकी रेड कलर की भी लीव्स होती हैं, ठीक है, और मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट्स में ग्रीन लीव्स ही होती हैं, ठीक है, बट सम प्लांट्स में, सम ऑफ देम हैव रेडिश लीव्स, राइट, और कुछ की रेड कलर की भी लीव्स होती हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें प्लांट्स
वो फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है, जैसे रोज फ्लावर आपने देखा भी होगा, रोज प्लांट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। मस्टर्ड, सरसों का फूल भी होता है, मस्टर्ड का फ्लावर भी होता है, ठीक है, मस्टर्ड का सीड भी होता है, तो वो भी एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है। सनफ्लावर के तो नाम से ही आप देख सकते हैं कि वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, वो फ्लावर होता है सनफ्लावर, एट्सेट्रा। और ऐसे बहुत सारे होते हैं प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फूल उगते हैं। चाहे आप किसी भी फ्लावर्स का नाम ले सकते हो, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड, बोगेनविला, ठीक है, ये सब फ्लावर्स हो गए, राइट। और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स वैसे उनकी जो स्मेल, जो फ्रेग्रेंस होती है, बेशक से वो अच्छी ना हो, बट वो फ्लावरिंग प्लांट में ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो फ्लावर बेयर कर रहे हैं, उन पे फ्लावर उग रहे हैं, ठीक है। However, some of the plants do not bear flower, बल्कि कुछ जो ऐसे होते हैं वो प्लांट्स जो है वो फ्लावर नहीं उगाते हैं, उसमें फ्लावर नहीं उगते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो कौन कौन से होते हैं, फर्न्स, मॉस, एल्गे, फंजाई लाइक मशरूम, कॉनिफर्स, पाइन ट्री, ये सब कौन से हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर, जैसे अगर ये फ्लावर बनाया तो ये ग्रो नहीं करता है, ठीक है, ये कौन से हो गए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे जो प्लांट जो है वो फ्लावर बियर करता है, फ्लावर ग्रो करता है, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ फर्न एंड दीज आर मशरूम्स, ये तो आप सबको पता ही होगा, ओके। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स, तीन मेन ग्रुप्स में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज हर्ब्स, सेकेंड वन इज श्रब्स, थर्ड वन इज ट्री। अब इसको हम डिटेल में पूरा जानेंगे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हर्ब्स, अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, हर्ब्स, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किसी ने भी कोई हर्ब देखा है या नहीं, जैसे पुदीना, ठीक है, वो भी एक हर्ब है, और वो कितना होता है, जैसे मान लीजिए ये पॉट है ना बेटा, अगर ये पॉट है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक इसमें ये सॉइल है पूरी, ठीक है, ये क्या है, इसमें सॉइल, राइट। तो अगर यहाँ पे पुदीने की लीव्स, मान लीजिए ये लीव्स हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, और ये इससे ज़्यादा ये प्लांट ऊपर नहीं जाता है, बहुत, ये अगर इसका लेवल है तो इतना ही उगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और हो जाएगा, बस थोड़ा सा और उग जाएगा, ठीक है, बट इससे ज़्यादा ये नहीं कि बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा, नहीं, या बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जो छोटे छोटे, जिनकी बहुत ही पतली डेलिकेट स्टेम होती है और सॉफ्ट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स डू नॉट हैव वुडी स्टेम, अच्छा हर्ब्स की बेटा एक खासियत होती है, खासियत क्या है, एक इनका मेन फीचर है कि उसकी वुडी स्टेम नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, चाहे वो कितना भी ग्रो कर जाए, बट उसकी स्टेम जो होती है वो हमेशा ग्रीन ही रहती है, वुडी, लकड़ी जैसी हार्ड नहीं होती है, जैसे ट्रीज की हो जाती है, ठीक है। दे आर नॉन वुडी प्लांट्स, ये कौन से प्लांट्स होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स। दे आर शॉर्ट साइज प्लांट्स, बहुत छोटे साइज के होते हैं, एंड यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 meter इन हाइट। देखा मैंने आपको बताया था बेटा, 1 meter से ज़्यादा, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो हाइट है ना उनकी, वो 1 meter होती है, 1 meter से ज़्यादा ये हाइट में कभी नहीं ग्रो करते हैं। दे विल लिव फॉर 1 or 2 season, और एक या दो सीजन्स के लिए ही ये हर्ब्स जो है, ये प्लांट जो है वो जिंदा रहता है, उसके बाद ये अपने आप ही मुरझा जाता है, ठीक है, एक या 1 or 2 season, बस 1 or 2 season, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। एग्जाम्पल्स, टोमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, वीट, पैडी, पैडी मतलब
राइस, कॉमा नहीं लगा है यहाँ पे, मैं लगा देती हूँ, कैबेज, कैरेट, जिंजर, टर्निप, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, राइट, दीज आर हर्ब्स बेटा. आप देख सकते हो, देखो ये रहा पुदीना, मैंने आपको पुदीने का एग्जाम्पल दिया था ना, दिस इज पुदीना, ओके, ये है पुदीना, और ये सारे आप देख सकते हो बेटा हर्ब्स है. वन मैंने आपको बोला था ना, बहुत नीचे नीचे रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्रो ऊँचे नहीं करते हैं, ठीक है. कितना मैक्सिमम इनकी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ अभी मैंने बताई थी, नॉट मोर देन 1 meter, ठीक है. दीज आर ऑल हर्ब्स. अब आते हैं बेटा श्रब्स पे. श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम. ये एक मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, जैसे अगर हम कहीं भी किसी रोड से, या आपका अगर गार्डन एरिया होता है तो वहाँ पे आप देखोगे ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, बट हर्ब्स कम होते हैं, बट होते हैं, ठीक है, बट क्वांटिटी हर्ब्स की कम होती है, श्रब्स ज़्यादा होते हैं. आप देखोगे आपके हाइट के, आपसे थोड़ी सी बड़ी हाइट के, आपकी मम्मा या पापा के हाइट के प्लांट्स लगे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, श्रब्स, जो बहुत ज़्यादा ऊँचे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं. श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम. अच्छा, उनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड और वुडी, ठीक है, ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, और बेस से ही निकलती है, ठीक है, ऐसे ही बेस से ही वो ब्रांचेज उसकी निकलती हैं, ये नहीं पहले ऐसे पूरा गया और उसके बाद ब्रांचेज निकली, नहीं, बेस से ही ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. दो द स्टेम ऑफ अ श्रब इज हार्ड बट इट इज़ नॉट वेरी थिक. अच्छा, हार्ड होती है बेटा उसकी स्टेम जो है, बट मोटी नहीं होती है, स्टेम उसकी पतली ही रहती है, बट हार्ड और वुडी होती है. श्रब्स डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट मेन स्टेम और ट्रंक. श्रब की अपनी एक डिस्टिंक्ट मेन ट्रंक, मेन स्टेम नहीं होती है, ठीक है, उसके रूट से ही बहुत सारी स्टेम्स निकल जाती है, तो उसकी मेन, एक मेन स्टेम नहीं होती है, जैसे ट्रीज की होती है ना, आप देखते हो पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी एक मेन ट्रंक होता है, एक स्टेम होती है, उसके बाद आगे जाके ब्रांचेज होती है, ठीक है बेटा. जैसे ये ट्री होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम ड्रॉ भी करते हैं ना, ये ट्री है, ठीक है, राइट, तो इसके बाद जाके इसकी ऐसे ऐसे करके ब्रांचेज निकलती है, तो ये क्या है, इसकी मेन स्टेम, जिसको हम कहते हैं ट्रंक. इसे अभी हम आगे बताऊंगी भी, मैं आपको डिस्कस भी करूंगी, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाने के लिए. और जो श्रब्स होते हैं बेटा, उनकी स्टेम जो रूट है ना, ये जो जहाँ पे ये रूट्स हैं, जहाँ पे सॉइल है, यहीं से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है, तो इनकी मेन ट्रंक कोई नहीं होता है, ठीक है. श्रब्स टेंड टू ब्रांच नियर ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल पे ही वो ब्रांचेस जो है उसकी निकलने लगती है. सो मेनी ब्रांचेस आर सीन राइजिंग जस्ट अबव द ग्राउंड. और काफ़ी सारी तो ऐसी ब्रांचेस देखी जाती है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, वेट अ मिनट, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, तो यहीं से ही निकल गई ऐसे अलग 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 अलग, और काफ़ी होती हैं जो थोड़ा सा, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा ग्रो कर गई, ठीक है, उसके बाद वो निकलना चालू हो गए यहाँ से, ठीक है. दे आर बिगर देन हर्ब्स. हर्ब्स से थोड़ा सा बड़े होते हैं, बट ट्रीज से स्मॉलर होते हैं, ट्रीज से ये छोटे होते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ श्रब्स इज फॉर मेनी ईयर्स. लाइफ स्पैन इनकी ज़्यादा होती है, हर्ब्स की एक या दो सीजन होती है, बट श्रब्स की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कुछ सालों तक ये जिंदा रहते हैं, बट इट इज़ लेस देन दैट ऑफ अ ट्री. लेकिन ट्री से इनकी जो इनकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, इनकी जो लाइफ है वो ट्रीज से कम ही होती है. ट्रीज तो बेटा बहुत सालों तक जीते हैं, 100-100 साल तक जीते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, तुलसी. तुलसी का पौधा अगर आप लोगों के घर में, किसी के भी घर में है, तो आप उसको देखना कि उसमें थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है नीचे से ही. बोगेनविला, चाइना रोज, क्रोटॉन, पोमेग्रेनेट, हीना, लेमन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. ओके, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट. देखो बेटा ये श्रब है, ये इसकी वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम, ठीक है, बट थिन है, थिक नहीं है, ठीक है, और
थोड़ी सी ऊपर आते ही, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर आए हैं और इसकी ये ब्रांचेस निकल गई, देखो कितनी सारी, और ये रोज प्लांट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं और उसके बाद इसकी ये क्या निकल गई, ब्रांचेस, ठीक है। ओके, दिस इज श्रब। ट्रीज, ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स। ट्रीज आपको पता ही है बेटा, लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज। विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। ट्रीज की स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी वुडी स्टेम होती है। द ट्रीज हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो ट्रीज की स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन स्टेम है ये क्या है, मेन स्टेम, और इसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। विच यूजुअली गिव्स आउट ब्रांचेस एंड लीव्स। और ट्रंक में से ही ऐसे हम ड्राइंग भी बनाते थे ना, तो ये क्या है, इसी में से ही ब्रांचेस भी निकल रही हैं और लीव्स भी, ठीक है। द ब्रांचेज इन द ट्रीज अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम। और स्टेम से जो ब्रांचेज होती है ना बेटा, वो बहुत ऊंची होती हैं। द ट्रीज आर वेरी बिग इन साइज, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ट्रीज साइज में। द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रीज इज वेरी लार्ज। लाइफ स्पैन जो है ट्रीज का वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीज यूजुअली लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं। बेटा पीपल जो है ना, पीपल ट्री जो होता है वो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा जिंदा रहता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 100 ईयर्स। मेरी जो ग्रैंडमा है, जो दादी है, वो बताती है कि हमारे वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, ऐसी ही ट्री है एक, जो मेरी दादी 81 ईयर्स की है, तो वो तो देख ही रही हैं जब से वो 81 ईयर्स की हुई हैं। और उससे भी पहले जो लोग जब वो रहते थे वहाँ पे, उससे पहले बताते कि उससे भी और पता नहीं कितने साल पहले वो पीपल का ट्री जो है वो किसी ने प्लांट किया था। तो सोचो बेटा, मेरी दादी 81 ईयर्स की हो गई, ग्रैंड मदर जो है, और भी पहले किसी ने प्लांट किया था, तो वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना वो हो चुका है। तो पीपल ये मेरी, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है इतना पुराना, ठीक है। और भी बहुत टाइम पुराने होते हैं, ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं, जैसे बैनियन, बरगद का पेड़, ठीक है, नीम, ये बहुत बहुत सालों तक रहते हैं, ठीक है। मैंगो, यस, नीम, मैंगो, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड, कोकोनट, यूकेलिप्टस, बैनियन एंड जामुन, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज और भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, पाम ट्रीज आर नेवर ब्रांच्ड। बेटा पाम ट्री की कभी भी ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। द कोकोनट ट्री इज अ पाम टाइप ऑफ अ पाम ट्री, इनकी ब्रांचेज नहीं होती हैं, ठीक है। दिस इज अ ट्री, आप देख सकते हो ये क्या है, इसकी ट्रंक जो इसकी मेन स्टेम है, ठीक है, एंड दीज आर द ब्रांचेस। तो ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर आने के बाद तब इसमें से ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट होती हैं, राइट। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होता है बेटा, अ प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम। एक प्लांट की जिसकी पतली लंबी और कमजोर स्टेम होती है, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और जो ऊपर की तरफ अपने आप से स्टैंड नहीं हो सकती है, ऊपर की तरफ अगर प्लांट को बढ़ना है तो उसे किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी वो ऊपर क्लाइंब कर पाती है, इसीलिए उनका नाम होता है क्लाइंबर्स। क्लाइंब अगर हम करते हैं तो बेटा किसी सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तभी हम मान लीजिए अगर हम सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हैं तो हमें स्टेयर्स के सपोर्ट की जरूरत है, राइट, तभी हम उसके ऊपर क्लाइंब कर पाएंगे, ओके, ठीक है। जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, अगर माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हो तो कैसे करोगे क्लाइंब, सपोर्ट तो चाहिए ना, तो इसी तरह से इन्हीं प्लांट को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी ये सीधे खड़े हो पाते हैं और क्लाइंब कर पाते हैं, ठीक है। अ क्लाइंबर प्लांट हैज स्पेशल ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स। बेटा इनके ना प्लांट की टेंड्रिल्स होती है, जैसे मान लो ये इसकी एक स्टेम है, ठीक है, बहुत पतली और ग्रीन कलर की होती है, राइट, ये स्टेम है, तो इसके अंदर ना ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स बने होते हैं, दीज आर
टेंड्रल्स। आगे मैं पिक्चर भी है वो भी सिखाऊंगी आपको, समझा दूंगी उसमें। ये टेंड्रल्स होते हैं, ठीक है। जब इस क्लाइंबर को सपोर्ट मिलता है, मान लीजिए किसी स्टिक का ही सपोर्ट दे दिया हमने, ठीक है, दिस इज अ स्टिक। तो जैसे ही हम स्टिक का सपोर्ट देंगे तो ये टेंड्रल्स क्या करते हैं, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे अपने आप को बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंड्रल्स जब इसमें बन जाएंगे तो ये जो इसकी स्टेम है ये यहीं से ही इसको सपोर्ट मिल जाएगा और इसी के थ्रू ये ग्रो करती चली जाएगी, ठीक है। नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, ठीक है। टेंड्रल्स हेल्प करते हैं कि उसके ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। ऑल दीज प्लांट्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ टेंड्रल्स इन देम, और प्लांट्स के अलग अलग तरीके की टेंड्रल्स भी होती हैं। पी प्लांट भी एक क्लाइंबर ही है। बिटर गॉड, स्वीट गॉड, बॉटल गॉड, ग्रेप वाइन, पैशन फ्लावर एंड ग्लोरी फ्लावर, दीज आर ऑल क्लाइंबर्स, ठीक है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था ना जैसे, तो ये है क्लाइंबर्स और टेंड्रल। देखो ये दीज आर टेंड्रल, ये इस तरह से ये लपेट लेती है अपने आप को किसी भी चीज पे जो भी इनको सपोर्ट मिलता है। ये क्या है, सपोर्ट, एक बैम्बू स्टिक। तो इसमें इसको सपोर्ट मिला, अब ये टेंड्रल इधर आके इधर चढ़ गई और अब यहीं से ये ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से सपोर्ट मिलते ही ये ऐसे करके क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर 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 ये क्लाइंब करते रहते हैं। मेरे घर में भी एक क्लाइंबर है, गिलोय। बेटा कोविड की वजह से ना मैंने अपने घर में ही एक प्लांट में, पॉट में लगा लिया। वैसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे घर में, बट गिलोय, अगर आप लोगों ने, मैं नहीं जानती हूँ कि शायद किसी ने इस चीज़ का कोविड के टाइम पे नाम नहीं सुना होगा गिलोय का। गिलोय एक हिंदी वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब इसको कहते हैं हम कोविड के टाइम पे या फीवर के टाइम पे, ये एक मेडिसिन के रूप में काम आ रहा है, मेडिसिन की तरह यूज़ भी किया जा रहा है। इवन बहुत सारी दवाइयों में इसका यूजेज है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग बीमारियों से बच सकें, ठीक है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी, राइट, ये डिजीज़ को कैच नहीं होने देता है, ठीक है। तो मैंने तो अपने घर में ही ये लगा लिया और ये भी एक क्लाइंबर है, उसको मुझे सपोर्ट देना पड़ा था तभी वो जाके क्लाइंब करता चला गया, ओके। क्रीपर्स, अ प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, इनकी थिन पतली होती है, लंबी होती है और वीक स्टेम होती है, विच कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अच्छा बेटा, जो क्लाइंबर्स थे मैंने आपको बताया था वो तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते हैं। बट जो क्रीपर्स होते हैं ना, जैसे अगर ये सॉइल है, यहाँ पे एक क्रीपर प्लांट है, तो ये नीचे की तरफ ही बढ़ेगा, इस तरह से ये फैलता चला जाता है, ठीक है। अ क्रीपर ग्रोज अलोंग द ग्राउंड और अदर सर्फेसेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स, ठीक है, अपनी जो शूट्स होती हैं उनको ही बढ़ाते चले जाते हैं और ग्राउंड लेवल से ही ये क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं संग संग, ये ऐसे फैलते हैं, इस तरह से फैलते हैं, नीचे 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 ग्राउंड लेवल पे ही फैल जाते हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ते, क्लाइंब नहीं करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लीपर प्लांट्स एंड क्लाइंबर प्लांट, क्लाइंबर और क्रीपर्स, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग गलत हो गई, दिस इज क्रीपर, ओके। क्रीपर प्लांट एंड क्लाइंबर प्लांट में क्या डिफरेंस है कि क्लाइंबर प्लांट जो है वो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स हैं उनके पास, वो कौन से हैं, टेंड्रिल, राइट। बट क्रीपर प्लांट्स हैव नो सच क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, बट क्रीपर प्लांट्स के पास ऐसे कोई क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं, तो वो क्लाइंब करेंगे कैसे, लेकिन वो स्ट्रेट अपराइट खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है वो थिन और बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पर ही फैलना चालू कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी प्लांट, मनी प्लांट, अ मनी प्लांट कैन बी मेड टू ग्रो अप बाय टाइंग अ स्ट्रिंग टू इट्स टॉप एंड। बेटा मनी प्लांट को हम ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं कैसे, अगर एक पॉट में मनी प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए ये टॉप एंड है, ये एंड है, इसको हम क्या करेंगे, एक धागे से बांध के, एक थ्रेड से बांध के ना उस थ्रेड को हम ऊपर टाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, मनी प्लांट इसी में ही ये ग्रो करता चला जाएगा, इसी के साथ साथ ही, ओके। देखो बेटा ये होते हैं क्रीपर्स,
ये सॉइल है, ठीक है, ये जमीन में ही देखो फैलते चले जा रहे हैं, है ना, इस तरह से ये जमीन में ही फैलते चले जा रहे हैं, कोई भी क्लाइम नहीं कर रहा है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, अभी बेटा हमने ये देखा कि प्लांट किस किस तरह से कैसे कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब क्या है पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स, ये हमें पता है, लिविंग ऑर्गन्स है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ईच प्लांट हैज मेनी पार्ट्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हर प्लांट के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सबका अपना फंक्शन होता है। जैसे बेटा हमारे बॉडी पार्ट में बहुत सारे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, और सबका अपना अपना फंक्शन है। जैसे आईज का फंक्शन है, देखने के काम आती है, ईयर्स का फंक्शन है, सुनने के काम आते हैं, टंग माउथ का फंक्शन है, बोलने के काम आता है, आपकी स्किन का फंक्शन है, फील करने के काम आता है। तो इसी तरह से प्लांट के भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो इनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, दीज आर सिक्स पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर पार्ट जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। रूट, अब रूट क्या होता है बेटा, जड़े, जिसे हम कहते हैं, जो कहाँ पे होती हैं, सॉइल के नीचे। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के सॉइल के नीचे होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट, ठीक है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन, और रूट जो है वो बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, कैसे। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट आर एज फॉलोज, रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है, रूट्स क्या करता है, प्लांट को सॉइल में खड़े रहने देता है। एंड रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से पानी और मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, और सॉइल को बांधे रखने का काम भी रूट्स करते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का, ठीक है। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, रूट्स भी दो तरह की होती है बेटा, टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। टैप, दीज आर रूट्स, ये आप देख सकते हो, टैप रूट, टैप रूट इज अ स्ट्रेट टैपरिंग रूट, टैप रूट जो है वो स्ट्रेट होती है रूट, विच ग्रोज वर्टिकली डाउन इन टू द सॉइल एंड गिव्स आउट ब्रांचेस ऑन ऑल द साइड्स, सॉरी, टैप रूट जो होती है ना बेटा, जैसे ये रूट है, ये फैली, इसी में से अलग अलग ब्रांचेस निकल गए, ठीक है, ये हो गई टैप रूट, ओके। वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करती है ये नीचे की तरफ, इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड गिव्स आउट ब्रांचेस ऑन ऑल द साइड्स, हर साइड से अपनी एक ब्रांच निकाल देती है। टैप रूट इज द मेन रूट एंड द स्मॉलर, टैप रूट जो है वो मेन रूट होती है और वो छोटी होती है। साइड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, टैप रूट कौन सी होती है, मेन रूट होती है, और साइड रूट्स कौन सी होती है, लेटरल रूट्स। टैप रूट रूट इटसेल्फ इज क्वाइट थिक, टैप रूट जो है वो खुद ही अच्छी खासी मोटी होती है, बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस निकलती है वो पतली होती है, ठीक है। जैसे पी प्लांट, नीम ट्री मैंगो ट्री, मैरीगोल्ड, तुलसी, ग्राम, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट। बच्चे देखो, ये है टैप रूट, ये मैंने बताया था जो मेन स्टेम होती है वो थिक होती है, बट उसके अंदर से जो ब्रांचेस निकलती हैं, दीज आर ब्रांचेस, वो क्या होती हैं, थिन होती हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट, सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, कुछ प्लांट्स की मेन रूट नहीं होती है, जैसे टैप रूट की मेन रूट होती है एक सिंगल, उसमें से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, किसी प्लांट की मेन रूट नहीं होती है और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है ना वहीं से ही उसमें बहुत सारी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है, यहाँ पे ये सॉइल में दबा हुआ है और यहीं से ही बहुत सारी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। द फाइब्रस रूट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स, फाइब्रस रूट में बहुत सारे ऐसे पतले फाइबर लाइक रूट्स होते हैं एक ही साइज के। दीज रूट स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव अ फर्म सपोर्ट टू द प्लांट, और ये जो है सॉइल में अच्छे से
फैल जाते हैं और प्लांट को क्या देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, जैसे वीट, पैडी, राइस, ग्रास, मेज, मिलेट, बैम्बू, शुगर क्रेन, स्वीट पोटैटो, एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स. कुछ प्लांट्स जो है अपने रूट्स में भी फूड स्टोर करते हैं, ठीक है. वी ईट सच रूट्स एज फूड, और हम कुछ प्लांट्स के ऐसे रूट्स भी खाते हैं जिनमें खाना स्टोर होता है, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट, एडिबल रूट्स, एडिबल खाने वाली रूट्स, ठीक है. दीज आर फाइब्रस रूट. बेटा एक ही पॉइंट से बहुत सारी निकलनी स्टार्ट होंगे. स्टेम. अब स्टेम क्या होता है आप सबको पता है, जो तना होता है पेड़ का, ठीक है. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच राइजेज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड. रूट क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं, और स्टेम क्या होती है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं, इज कॉल्ड इट्स स्टेम. द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेज एंड द लीव्स. स्टेम के ऊपर क्या सारा वो रहता है, किसका भार होता है, सारी ब्रांचेस का, लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, ठीक है. एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज द लिंक बिटवीन. स्टेम जो है वो किसके बीच में लिंक होता है, रूट्स और जो प्लांट का बाकी पार्ट बचा है, तो बीच में क्या आता है, स्टेम, वो उसी से ही सब कनेक्टेड होता है. द स्टेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इतनी आसानी से वो प्लांट्स जो है वो या ट्रीज हैं वो गिरते नहीं हैं. एंड कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, और अपने ही सहारे से वो सीधे खड़े रह सकते हैं. द स्टेम ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स आर हाउएवर वीक एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. बल्कि अभी हमने पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो कमज़ोर होती है और अपने आप से सीधे खड़े नहीं होती, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड इट इज नोन एज ट्रंक. स्टेम, ट्री की स्टेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है पूरे प्लांट के पार्ट में, पूरे ट्री के पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होती है वो स्टेम होती है ट्री की, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक. देखो बच्चे जैसे आप देख सकते हो, सॉरी दिस इज स्टेम, this is, why my pen is not working, just wait bache, this is stem, okay. फंक्शंस ऑफ स्टेम. अब स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं बेटा, क्या काम होता है स्टेम का, सिर्फ खड़े रहने में ही हेल्प नहीं करता है, स्टेम के और भी फंक्शंस होते हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर एज फॉलोज. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट और इरेक्ट. ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है. द स्टेम ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर. स्टेम जो है वो रूट्स से, जब रूट्स सॉइल में से पानी लेते हैं, वो रूट्स के थ्रू कहाँ से जाता है, स्टेम में जाता है, एंड मिनरल्स भी स्टेम में जाते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और स्टेम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि रूट से बाकी प्लांट्स के पार्ट तक पानी, मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करती है, ठीक है. द स्टेम होल्ड्स द लीव्स इन सच अ वे. स्टेम जो है वो अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को इतने अच्छे से होल्ड करता है दैट द लीव्स आर एबल टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. लीव्स प्लेंटी मतलब जितनी उन्हें सनलाइट की जरूरत है उतनी उन्हें सनलाइट मिले. एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि खाना जो है वो कौन सा पार्ट बनाता है स्टेम का, लीव्स. ये भी अभी आगे मैं समझाऊंगी, ठीक है. द स्टेम ऑफ अ प्लांट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स इनसाइड इट. स्टेम की जो प्लांट की स्टेम होती है उसमें बहुत सारी नैरो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, पतली पतली ट्यूब्स होती है. वन टाइप ऑफ ट्यूब्स इन द स्टेम कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द अदर प्लांट्स. एक टाइप की जो ट्यूब होती है वो स्टेम की, वो क्या कैरी करती है, मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है. द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है वो, जो लीव्स हैं प्लांट की, वो अपना खाना बनाते हैं.
Another type of tubes present in the stem carry the food from the leaves to all parts of the plant. जो दूसरी स्टेम होती है, दूसरी ट्यूब होती है स्टेम के अंदर, उसका काम क्या होता है कि वो फूड को कैरी करती है लीव्स से सारे और पार्ट्स में प्लांट के, ठीक है, इंक्लूडिंग रूट्स, रूट्स तक भी वो पहुंचाती है, ठीक है. द लीव इज अ थिन ब्रॉड फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट. लीव क्या है, थिन पतली है, ब्रॉड है चौड़ी भी है छोटी भी होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, एंड ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का वो क्या है, लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम. और लीफ किससे अटैच्ड होती है, स्टेम से. बेटा जैसे एक ये स्टेम है तो लीफ यहीं से ही तो निकलती है, तो लीफ किससे अटैच होती है, स्टेम से, ठीक है. लीफ कंसिस्ट मेनली ऑफ टू पार्ट्स, लैमिना एंड पिटियोल. लीफ में दो पार्ट्स होते हैं, लेमिना एंड पिटियोल. लेमिना क्या होता है, जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, चौड़ा ग्रीन पार्ट, वो क्या होता है, लेमिना. एंड थिन स्टॉक विच विद विच लीफ इज अटैच. बेटा ये होता है इसका पिटियोल, राइट. और ये पार्ट क्या होता है, थिक ब्रॉड ग्रीन पार्ट इज लेमिना, राइट. There are minute pores on the surface of leaf. अच्छा, लीफ के सरफेस पे बेटा बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा, देखो इस टाइप के, ठीक है. बहुत ही, ये तो बेटा जूम करके आपको दिखाया हुआ है, ये होता है स्टोमेटा, और ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है. दीज आर स्टोमेटाज. They are so small that we cannot see them with naked eyes. मैंने अभी आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हम अपनी naked eye से उन्हें नहीं देख सकते, वो microscope के through ही हम उन्हें देख सकते हैं. They allow the gases to move in and out of the leaves. और वो allow करते हैं gases को कि ऐसे अंदर जाएं और बाहर निकले leaves के, ठीक है. They allow excess water vapor to go out of the leaf. आपको ये भी पता है transpiration का process होता है leaf के अंदर से, जो water vapor की form में जो पानी निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा से, ओके. दीज आर स्टोमेटास. क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो उनका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से आता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से आता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, ठीक है. इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो ग्रीन कलर देता है लीव्स को और क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो सनलाइट से आ रही है, ठीक है. फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव थ्री मेन फंक्शंस. तीन मेन फंक्शंस हैं, द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती है. द लीव्स गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लीव्स क्या करती हैं, जो अपने अंदर का एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वेपर की फॉर्म में निकाल देती हैं, ठीक है. जैसे हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा होता है पानी वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना, ऐसे ही द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. और लीव्स क्या करती है, रिस्पायर भी करती है, और लीव्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है. क्या होता है, टेकिंग इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट O2 ऑक्सीजन, ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट. ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है लीव्स को खाना बनाने के लिए, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, ओके. इन दिस द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं, ठीक है, ये किससे कंबाइन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से. मैंने अभी बताया था ना, स्टोमेटास होते हैं जो होल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्टैक्ट में आती है, कंबाइन होती हैं एंड वाटर,
प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और क्या रहता है? सनलाइट, ठीक है, टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन. अच्छा रुको, मैं इसको ना सही से लिख के दिखा देती हूँ. ओ सॉरी, रेजर. ओके, हाँ मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कि इन दिस द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट कंबाइन, ठीक है, कैसे. सॉरी कोई रेजर यार, एक मिनट बचे पेन. ओके, ग्रीन लीव्स मतलब स्टोमेटा या लीव्स प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जब सब कंबाइन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, टू मेक क्या बनाते हैं ये, फूड प्लस ऑक्सीजन, जो हमें दोनों ही चीज हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. द सिंपलेस्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स बाय द फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज. सबसे सिंपलेस्ट जो खाना लीव्स बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो क्या है? ग्लूकोज. सम ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और कुछ ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में. और ये स्टार्च जो है वो फूड में स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टोर्ड एज फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के अलग अलग जगह पे ये स्टूड फूड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है स्टार्च. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है लीव्स का. लीव्स के अंदर जो पानी होता है, जो एक्सेस पानी होता है, स्टेमेटा के थ्रू वेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और वो वापस से जाके स्काई में जाके, वाटर साइकिल आपको पता ही है, स्काई में जाके वो फिर से दोबारा क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, दीज आर लीव्स. लीव्स क्या क्या ले रही हैं स्टोमेटा के थ्रू? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हम रूट्स में डालते हैं, ठीक है, रूट से स्टेम के थ्रू ये लीव्स में आ जाता है, एंड सनलाइट, राइट. और ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन, O2 एंड शुगर, अभी जो हमने डिस्कस किया था स्टार्च, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है. विनेशन, विनेशन क्या होता है बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना इज नोन एज विनेशन ऑफ द लीव्स. जैसे ये मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ बेटा, लीव्स की विनेशंस अलग अलग तरह की होती हैं. जैसे ये लीव है, ठीक है, इसी में से ही बहुत सारे वो निकलते हैं ना, ऐसे ऐसे आप देखते होंगे कभी लीव्स, ठीक है, ऐसे होता है ना बहुत ज़्यादा ये, ठीक है. और कोई लीव्स होती हैं, ये दो तरह के विनेशंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उसमें इस टाइप के, ये इसकी क्या होती है, लीव्स की वेन्स. जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, ऐसे प्लांट्स की लीव्स में भी वेन्स होती हैं, राइट. तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ विनेशन इन द लीव्स. रेटिकुलेट, ये होता है बेटा रेटिकुलेट मोशन. इन दिस द वेन्स इन द इनर लीव अकर इन अ इररेगुलर वे ऑफ फॉर्मिंग अ नेट लाइक डिजाइन. ये नेट की तरह बना दी है ना, जाल की तरह डिजाइन बना देती है और यूनिफॉर्म वे में होती है, ठीक है.
पैरेलल विनेशन ये होता है बेटा, पैरेलल पैरेलल लाइंस होती हैं, एक के बाद एक सीधी सीधी लाइंस होती हैं। इन दिस द वेन्स इन अ लीफ रन पैरेलल टू वन अनदर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब। ठीक है, ये होती है इसकी मिडरिब, ये मिडरिब है। तो मिडरिब के दोनों ही तरफ, जैसे मैं एक दोबारा बना के दिखा देती हूँ, ये हो गई इसकी मिडरिब। ठीक है, तो इसके दोनों ही तरफ ये पैरेलल लाइंस चलती रहेंगी। मिडरिब कौन सी होती है, बिल्कुल सेंटर में जो होती है लीफ के। ठीक है, तो दिस इज रेटिकुलेट, विनेशन, एंड दिस इज पैरेलल विनेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये पैरेलल पैरेलल लाइंस जा रही हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जाल की तरह बन रहा है, एक नेट जैसा बन गया है। बहुत सारी ऐसी छोटी वेन्स जा रही हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन विनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। दिस रिलेशनशिप इज एज फॉलोज, द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट विनेशन, जिनकी रेटिकुलेट विनेशन वाली लीव्स होती हैं उनके कौन से रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर। और जिनकी पैरेलल विनेशन वाली लीव्स होती हैं उनके कौन से रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स, जैसे बीट प्लांट। अभी मैं ये होती है टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। बेटा टैप फाइब्रस रूट्स तो ना बहुत ज़्यादा ऐसे करके फैली होती हैं। ठीक है, और टैप रूट नॉर्मल ऐसे करके इसमें से जा रही है, इसमें से जा रही है, इसमें से, और ये एक ही जगह से फैली होती है, ये होती है फाइब्रस रूट। राइट, फ्लावर्स, द फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट। बेटा फ्लावर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। हमें सबसे पहले अगर किसी कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है तो हम किसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर। हमारी नजरें किस पे जाके टिकती हैं, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के ऊपर। द फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स आर परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। राइट, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, और अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह के फ्लावर्स उसमें होते हैं। जैसे रोज अलग टाइप का है, लोटस, बोगेनविला, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, और ये बहुत ही अच्छा स्मेल भी करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। मेन फंक्शन क्या होता है फ्लावर का, फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना। तो ऑल द फ्लावर्स हैव सम बेसिक पार्ट्स। क्या पार्ट्स हैं, द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे ये बड है, बड है, ठीक है, फ्लावर अभी पूरा उगा नहीं है, ये बड है। तो इस बड को जो कवर कर रहा है, जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ग्रीन कलर का पार्ट है, वो होता है सेपल्स। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। बेटा जब ये फूल खिल जाता है ना, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, एक लोटस फ्लावर, बहुत अच्छा तो ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ इधर, जैसे ये एक लोटस फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आती है ना ग्रीन कलर की लोटस फ्लावर, ये तो पिंक होता है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आते हैं ना स्टेम से नीचे और फ्लावर और स्टेम के बीच में, ये क्या होते हैं, दीज आर सेपल्स। राइट, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। बेटा ये वाली पिक्चर मैंने इसीलिए आपको दिखाई है कि ये फ्लावर को ना प्रोटेक्ट करता है, ये इसके अंदर ये फ्लावर है रेड कलर का, तो ये इसको बचा के रख रहा है जब तक ये खिल नहीं जाता है। फिर धीरे धीरे जब ये खिलता है तो ये बर्ड्स जो होती है वो खुलती जाती है, और ये खुलते 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 इस फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, पेटल्स, पेटल्स क्या होती है बेटा, फ्लावर की पत्तियां, ठीक है, फ्लावर की पंखुड़ियां जिसे हम कहते हैं, दीज आर रोज पेटल्स।
पेटल्स इनसाइड द सेपल्स, सेपल के अंदर क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं ऑफ अ फ्लावर एंड दे आर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे पहले हमारी पेटल्स भी तो नजर जाती है बेटा, जैसे रोज के अलग अलग कलर की पेटल्स होती है, रोज येलो कलर का भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है, वाइट भी होता है, तो उसकी पेटल्स भी हमारी सबसे पहले नजर जाती है. ठीक है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस कलर्स एंड शेप्स, राइट. फ्लावर आपने देखी होगी बहुत तरह तरह के भी होते हैं, अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है. द पेटल्स ऑफ सम ऑफ द फ्लावर्स हैव नेचुरल सेंट्स इन देम, और कुछ पेटल्स फ्लावर्स की उसमें नेचुरल सेंट्स होती है, अगर जब हम उनको स्मेल करते हैं तो वाओ इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है उसकी, ऐसे बोलते हैं ना रोज फ्लावर की कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है. सो इन मेनी फ्लावर्स द नंबर ऑफ पेटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल्स. अच्छा, कुछ फ्लावर्स में बेटा पेटल्स और सेपल्स दोनों का जो, दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, नंबर जो होता है वो सेम होता है. जैसे बटर कप फ्लावर जो होता है उसमें 5 पेटल्स होती है और 5 ही सेपल्स होती है. ठीक है, सेपल्स और पेटल्स दोनों बराबर होती है, लेकिन रोज फ्लावर में ऐसा नहीं होता. रोज फ्लावर में सेपल्स बहुत, वो पेटल्स बहुत ज्यादा होती है और सेपल्स कम होती है. स्टेमन, अब स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का. इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. द स्टॉक ऑफ अ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट, ये है इसकी स्टॉक, ये है फिलामेंट. एंड द स्वोलन टॉप, ये ऐसे स्वोलन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर, राइट. द एंथर कंटेन्स अ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. बेटा ये एंथर यहाँ पे जो होता है इसमें ये येलो कलर का सब्सटेंस जो मैंने आपको दिखाया है इस पिक्चर में, वो क्या होते हैं इसके, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, एंड दीज आर मेल 6 सेल्स ऑफ अ प्लांट, ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स ऑफ अ प्लांट, ये मेल पार्ट होता है प्लांट का. ठीक है, स्टेमन. पिस्टल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है. इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप ऑर्गन, एक फ्लास्क की तरह, देखो जैसे ये फ्लास्क है ना, एक फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है. ठीक है, ये होता है, सॉरी, फ्लास्क शेप ऑर्गन है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल लाइक, राइट. इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये फीमेल पार्ट है प्लांट का. इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. द टॉप पार्ट ऑफ अ पिस्टल इट इज वेरी स्टिकी. स्टिग्मा क्या होता है, जो सबसे टॉप पार्ट होता है, जो सबसे टॉप पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, और ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है. ठीक है, चिपक, चिपचिपा होता है, राइट. इस पे पॉलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं. स्टाइल, द मिडिल पार्ट ऑफ अ पिस्टल इट इज अ ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी. जो स्टिग्मा को ओवरी से, अरे एक बेटा, यानी पेन को क्या हो रहा है, वन सेकेंड. जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है वो क्या होता है, स्टाइल. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ओवरीज क्या होती है, जहां पे एग फॉर्म होता है. ठीक है, जहां पे जाइगोट फॉर्म होता है वो होती है ओवरीज. पोलन ग्रेन्स बेटा स्टिग्मा के ऊपर आके बैठती है, ये होता है स्टिकी होता है, यहाँ पे आके चिपक जाते हैं. इस स्टाइल के थ्रू वो क्या होते हैं, किस में एंटर करते हैं, वो ओवरी में एंटर करते हैं, और ओवरी में एंटर करके वो जाइगोट फॉर्म करते हैं. ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट, राइट. और एक न्यू फ्रूट हमें मिल जाता है. ठीक है, मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ. ओवरी द स्वोलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ द पिस्टल इट कंटेन्स टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स. इसमें ओव्यूल्स होते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो पॉलन ग्रेन्स जब उन ओव्यूल्स में जाके मिलते हैं, ओवरीज में जाके मिलते हैं, तो द ओव्यूल्स कंटेन फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ अ
प्लांट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जब जाके मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये है एक फ्लावर का बेटा सारे पार्ट्स, अभी हमने देखा था, ये है एंथर, राइट, दिस इज फिलामेंट, ओके, दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, ये पॉलन ग्रेन्स है येलो येलो, ये क्या है, स्टेम इनका पार्ट है, दीज आर पेटल्स, दीज आर सेपल्स, मैंने आपको बताया था जो मुड़ जाती है ऐसे ग्रीन कलर की वो क्या होती है, सेपल्स। ये इसका स्टिग्मा पार्ट है, राइट, दिस इज स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसका ओवरी पार्ट है, यहाँ पे जब आके पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे स्टिक होके इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जब इन ओवरीज में आते हैं जो अंदर एग्स हैं उसके संग आके मिलके ये क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज द पार्ट ऑफ पिस्टल जो क्या है, फीमेल पार्ट है, राइट, और एंथर फिलामेंट ये क्या है, मेल पार्ट है, राइट, ऑफ अ फ्लावर। फ्रूट्स एंड सीड्स, अ फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स द सीड, फूड कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर सीड होता है, जैसे आपने मैंगो कभी खाया हो तो मैंगो के अंदर सीड निकलता है ना इतना बड़ा, है ना, अगर हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर सीड जरूर होता है, एप्पल खाते हैं एप्पल का भी सीड होता है, ऑरेंजेस खाते हैं ऑरेंजेस के भी सीड होते हैं, राइट, एप्पल ऑरेंजेस प्लम लेमन टोमेटोज, टोमेटोज में भी देखा होगा आपने व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कलर के सीड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उन सीड्स को सॉइल में डाल देंगे ना बेटा और उनको डेली प्लांट अच्छे से करेंगे, उनको मैन्योर देंगे, उनको फर्टिलाइजर्स नहीं भी डालो मैन्योर डालोगे, प्लांटिंग करोगे, अच्छे से सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे, तो उस सीड में से क्या जर्मिनेट हो जाता है, एक दूसरा टोमेटो का प्लांट, राइट। द पी पॉड इज ऑल्सो अ फ्रूट, पी पॉड भी जो है, दिस इज पी पॉड, ओके, और ये क्या है, सीड। तो जिसके अंदर सीड होते हैं वो क्या होता है, एक फ्रूट होता है, ठीक है, इसीलिए पी जो है वो भी फ्रूट है, दिस इज एवोकैडो, एवोकैडो, देखो इसका सीड कितना बड़ा है, ये क्या है इसका सीड, ये भी एक फ्रूट है, राइट। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, मैंने अभी बताया था एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से लेके स्टिग्मा तक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इट इज डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, जैसे अगर इंसेक्ट्स इन पॉलन ग्रेन्स पे आके बैठते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इनके पैरों में चिपक जाते हैं, ठीक है, थीके? जब ये इंसेक्ट दूसरे किसी फ्लावर पे जाके बैठता है और उसके स्टिग्मा पे जब जाके बैठता है तो ये वो पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो ये जब यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं तो उसके बाद ये स्टाइल के थ्रू होके ओवरीज में ये पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं और एक न्यू फ्लावर जो न्यू हमें फूड फ्रूट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, राइट। फर्टिलाइजेशन, द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, मेल और फीमेल, अभी हमने देखा पॉलन ग्रेन्स एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, तो उनका क्या होता है जब वो दोनों मिल जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल के थ्रू, देखो बेटा ओवरीज में जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन्स जाके इसमें मिलते हैं, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब होती है, ये पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पे जाके मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, एक जाइगोट फॉर्म कर देते हैं, एग, ठीक है। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम अ फ्रूट, और जब ये ओवरी ग्रो करती है तो क्या बन जाता है, एक फ्रूट बन जाता है, और राइपेंड ओवरी मतलब पकी हुई ओवरी क्या होता है, एक पूरा फुली जर्मिनेटेड फ्रूट होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर इज फिनिश्ड, लेट अस डिस्कस सम डेफिनेशंस। रूट आपको बताइए बेटा क्या होता है, द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच फिक्सेस इट टू द सॉइल आर कॉल्ड एज रूट। स्टेम, द मेन एक्सेस ऑफ द शूट सिस्टम विच बियर्स द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स फ्रूट्स एंड सीड्स। लीव्स, अ फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांचेस। विनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लीव ब्लेड। Transpiration, the process of loss of water in vapor from
थ्रू द लीव्स. ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बेटा. लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड होता है, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है एंड बैच कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. राइट, दीज आर सम प्राइजिंग 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48. And after applying my code, that is NB01, NB01, don't forget, this is my code. After applying my code, you will get 10% instant discount, right? Plus, iconic mein kya hota hai beta? Plus ke to sare benefits aapko milte hi hai, saath saath aapko personal mentor provide kiya jata hai, live doubt solving hota hai, weekly plan, weekly reports hoti hai, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन होता है, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं. राइट, और इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा. 36, माय पेन इज सॉरी बच्चे, 3, 6, 12, 15, 18, 24 एंड 36 एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड दैट इज NB01 you will get instant 10% discount, right? So, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें. लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं. ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का पार्ट बन सके. एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय.